टॉप हेडलाइंस लेकर मैं मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। पीएजीडी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन 26 फरवरी को श्रीनगर में एक मीटिंग करेगी मुनक्कद। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की ताजा सूरत हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। जम्मू के मजाफात में घंघियाल इंडस्ट्रियल इलाके में आग की एक वारदात में प्लास्टिक फैक्ट्री हो गई है खाकिस्तर। फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपये मालियत का सामान राकेट ढेर में हुआ तब्दील। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले दो अफराद को कर लिया है गिरफ्तार और इनकी तवहील से 4 गाड़ियां बरामद करने का किया है दावा। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में जलजले के हल्के झटके किए गए महसूस। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.5 हुई रिकॉर्ड। 24 घंटों में दूसरी मर्तबा हुए जलजले के हल्के झटके। जम्मू के नगरोटा इलाके में एक फौजी जवान ने मुबैन तौर पर अपने ही राफेल से अपना काम कर दिया है तमाम। फौजी जवान की शिनाख्त सिपाही बसवाजद गोगाई साकी ने गोलाहट आसाम के तौर हुई। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर का है इल्जाम। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन सिख कम्युनिटी को हकरायदेही से रखना चाहती है महरूम। मुल्क में थमी कोरोना वायरस की रफ्तार। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,757 नए मामले आए सामने। 541 अफराद की ली कोरोना वायरस ने जान। 48,000 के करीब हुए सेहतियाब। उत्तर प्रदेश के जिला किशनगर में शादी की एक तकरीब के दौरान कुएं का स्लेब टूटने से 13 अफराद की हुई मौत। हादसे में जख्मी होने वाले 12 से ज्यादा अफराद की हालत है तश्वीशनाक। वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर के सदर अस्पताल के बाहर 52 साल शख्स की लाश की गई है बरामद, जिसकी शिनाख्त गुलाम अहमद डार साकी ने सोमवार के तौर हुई। आज की हेडलाइंस में इतना ही। इजाजत दे, खुदा हाफिज़।